हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे साइड में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे देखो कितने डक्स है। अभी फ़िलहाल 8:30 बज रहे हैं और जा रहा हूँ ब्रेड बटर वगैरह लेने के लिए, क्योंकि घर में सब ख़त्म हो गए हैं, ऑनलाइन में मंगाया नहीं था इसलिए। और आज भी काफ़ी सनी है, मतलब मौसम काफ़ी अच्छा है। उस दिन एकदम बेकार से था, पूरा मूड ख़राब हो गया था। आज कल भी अच्छा था और आज भी अच्छा है, तो फटाफट चलते हैं। आज कॉलेज भी जाना है जल्दी, क्योंकि जल्दी कॉलेज स्टार्ट हो रहा है इसलिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गया हूँ। अभी सिर्फ 5-10-15 मिनट ही बाकी है कॉलेज स्टार्ट होने में। और आज है मीठी रोटी और चने की घुगनी, तो फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फटाफट यहाँ से निकलते हैं यार, जल्दी बहुत लेट हो गया है मेरे को। आज मैं सोचा पैदल जाऊंगा, पर मेरे को ऑटो से ही जाना पड़ेगा। तो गाइस, मैं एक स्टॉप इससे आ गया हूँ, अब यहाँ से बस पकड़ के जाऊंगा। और मास्क लेना भूल गया था, तो मेरे को मास्क खरीदना पड़ा एक नया। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है आज, पर मेरा बाल सेट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है मेरे बाल को, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो गाइस, 2 बज रहे दोपहर के और एक क्लास तो होगा नहीं, तो एक ही क्लास हमारा 2 पीरियड था, तो 3 बजे क्लास होगा। मैं बोला टाइम है तो पैदल ही चले जाते हैं, बस आ गया 5 मिनट में मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा बस। तब से पैदल पैदल चल रहा था, कुछ काम कर रहा था इसलिए। और मेरे 2 फ्रेंड मेरे को देखकर चले गए, एक तो बात किया और दूसरा बात ही नहीं किया, मतलब दूसरा देख के चला गया। मैं पूछा कहाँ है भाई, तो बोला कैंपस में। बोला कब गया, बोला जब तू पैदल पैदल आ रहा था तब मैं गया। अच्छा, सही है। तो गाइस, आज एक भी क्लास नहीं हुआ, आज सारे क्लासेस कैंसिल हो गए। और बारिश हो रहा है, मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सही है, सूखा हुआ इसलिए मैं यहीं पे खड़ा हूँ, बाकी सब अंदर है और अंदर मेरे को नहीं जाना है। तो गाइस, यहाँ पे हमारे कॉलेज का सारा बेंच चेयर वगैरह सब बनता है, देखो सब यहीं पर मैन्युफैक्चर होता है सब। बाहर बारिश हो रहा था तो इसलिए मैं यहीं पे आ गया, पेड़ के नीचे खड़ा होने से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो गाइस, मैं घर आ गया आज और 5:30 बज रहा है, जल्दी आ गया क्योंकि बारिश हो रहा था इसलिए। और आपको दिखाया नहीं मैं, देखो ये मेरा नया इयररिंग्स है, मम्मी लेकर आई थी, मैं भी गया था तो उसी दिन, मैं कल ही पहन लेता मैं, तो पता नहीं वो पक गया था जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया ही, तो फिर आज देखा कि ठीक हो गया है तो आराम से पहन लिया। और अभी फिर अपना लंच करते हैं। लंच में है आज पालक का साग और चावल, तो आज वही खाएंगे। और बाहर अभी बारिश ही हो रहा है, आज कहीं नहीं जा सकता हूँ मैं, और आज बारिश में ही कॉलेज कैंपस में घूम रहा है। जैसे कि आपको देखिए, आज कोई क्लास ही नहीं हुआ और कल सारा क्लास होगा। आज जो क्लास था सब कल होगा, कल मैं सिर्फ अकेला जाऊँगा और कोई नहीं जाएगा। तो गाइस, लास्ट व्लॉग में मैं आपको बताने वाला था कि मम्मी को क्या हो गया है, ठीक है, पर लास्ट व्लॉग में मैं बता नहीं पाया आपको। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं तो कॉलेज में था तो घर में एक खिड़की खुला हुआ था, तो बिल्ली आ गया था, तो बिल्ली आके फ्रिज के पीछे छुप गई था। तो मम्मी देखी कि बिल्ली है, फिर पता नहीं कहाँ चले गए, तो मम्मी कह कि सारी खिड़की बंद कर दी और दरवाजे भी बंद कर दी। फिर थोड़ी देर बाद किचन में फिर जाती है तो देखती है बिल्ली निकल गई है, तो बस मम्मी बिल्ली को दौड़ाने के लिए जाती है, बस बिल्ली क्या करती है, मम्मी को पैर में काट के चली जाए, नोच कर चली जाती है नाखून से। और कल से मम्मी का पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो अभी गई थी डॉक्टर के पास और टिटनेस लेकर आई है, कल नहीं ली क्योंकि कल दिया नहीं, बोला कि नहीं आज नहीं देंगे, रात हो गया है ऐसे कुछ शायद था, तो आज अभी जाकर लेकर आई है। और आज जैसे कि आपने पुराने व्लॉग में देखा ही होगा कि मैं 1 रुपये का सिंगाड़ा और जलेबी लेकर आया था, 1 रुपये का जलेबी और सिंगाड़ा, तो आज वही लेकर आए हैं पापा, तो वही खाते हैं। बारिश हो रहा है तो कहीं जा भी नहीं सकते बाहर घर। तो गाइस, आज मम्मी बना रही है चीला, नमक वाला, नमकीन वाला। सुबह को तो मैं मीठी रोटी खा के गया था, उतना मम्मी बना लिया है, इतना फीलिंग बाकी, क्या बोलते हैं, बैटर बाकी है और ये बन रहा है अभी, तो इसके साथ सॉस के साथ खाऊंगा केचप और चने की घुगनी, जो सुबह को था वही उसी के साथ हो रहा है, चने की घुगनी और ये और केचप के साथ खाऊंगा। और अभी फ़िलहाल मैं अपना एडिटिंग ही कर रहा था, तो करते करते
याद आया कि अरे ये तो शूट ही नहीं किया था, ये भी शूट कर लेता हूँ। तो गाइस खैर इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आशा करते हैं ब्लॉग आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो की लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। लेट्स रॉक। जय हिंद। जय भारत।